अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों Y9 प्राइम 2019 न्यू कमर है 35,000 की रेंज का, और आज हम करने जा रहे हैं इसको कंपेयर, इसके कैमरा को कंपेयर Realme 3 Pro के साथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि Realme 3 Pro का कैमरा बेटर है या Y9 प्राइम 2019 का कैमरा बेटर है। इस कंपैरिजन को बनाने का मकसद है आपको क्लियर आउट हो जाए, अगर आप कोई कैमरा डिवाइस लेना चाह रहे हैं और आप कंसीडर कर रहे हैं इन दोनों में से कोई भी डिवाइस, तो यहाँ पर आपको क्लियर आउट हो जाएगा कि आपको Realme 3 Pro की तरफ जाना है या Y9 प्राइम 2019 की तरफ जाना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ फ्रंट साइड की नॉच में आपको देखने को मिलता है Realme 3 Pro में 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 2.0 का अपर्चर रखा गया है। रियर साइड पर आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है 16+5 मेगापिक्सल का, 16 मेगापिक्सल का मेन सेंसर का अपर्चर 1.7 है, और यहाँ जो सेंसर इस्तेमाल किया गया है सोनी IMX519 का है, और जो कि OnePlus 6 और 6T में भी देखने को मिला। अगर Y9 प्राइम 2019 की स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो यहाँ भी आपको फ्रंट साइड का पॉपअप सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का मिलता है, अपर्चर 2.0 का मिल जाता है। यहाँ रियर साइड पर आपको Y9 प्राइम 2019 में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, ये एक मेन डिफरेंस होगा दोनों ही फोन्स के अंदर। 16 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, अपर्चर 1.8 है, लेकिन यहाँ अल्ट्रा वाइड सेंसर वाली आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाती है Y9 प्राइम 2019 में। 8 मेगापिक्सल का सेंसर है, डेप्थ सेंसर, डेप्थ इफेक्ट, बुके इफेक्ट के लिए इस्तेमाल किया गया है। 2 मेगापिक्सल का सेंसर। अब देखना यह है कि यहाँ पर Y9 प्राइम 2019 बेटर होता है या बेटर होता है Realme 3 Pro, और दोनों के अंदर ही आपको फुली AI बेस्ड कैमराज मिलते हैं। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में, बात करते हैं कि कौन सा फोन बेटर है कौन सा नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं Y9 प्राइम 2019 के पॉपअप सेल्फी कैमरा से, जो कि है 16 मेगापिक्सल का, और यहाँ है मेरे पास Realme 3 Pro नॉच वाला कैमरा, 25 मेगापिक्सल का अपर्चर 2.0 मिलता है, और यहाँ कलर सेचुरेशन का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दोनों ही फ़ोन्स के फ्रंट साइड के कैमरा में किसी किस्म का भी स्टेबलाइजेशन वाला ऑप्शन नहीं मिलता आपको, लेकिन यहाँ पर अगर कलर अप्रोच की बात कर ली जाए तो रियर साइड पर आपको जो ग्रीन है वो आपको Realme 3 Pro में ज़रा कुछ कलर्स को बैलेंस करता हुआ नज़र आएगा, थोड़ा सा वाइटिश टोन दे रहा है Y9 प्राइम 2019। लेकिन चॉइस हर बंदे की अपनी होती है, हर कोई अपनी अपनी जगह चॉइस को पसंद करता है, चॉइस अप टू यू है कि कौन सा फ़ोन का कैमरा आपको ज़्यादा पसंद आता है। ये थोड़ा सा मैं चल के दिखाता हूँ और आपको स्टेबलाइजेशन का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस फ़ोन में बैटर मिलती है। अब माइक ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, माइक्रोफोन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मैं Realme 3 Pro में, और यहाँ माइक का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि माइक किस फ़ोन में बैटर मिलता है। या थोड़ा सा तेज़ चलता हूँ तो यहाँ दोनों ही फ़ोन्स शेकी इमेज दे रहे हैं, लेकिन अगर बात करूँ यहाँ पर बैकग्राउंड की, फोरग्राउंड की, मुझे Realme 3 Pro में थोड़ा सा बैटर मिल रहा है, Y9 प्राइम 2019 थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है। अब फोकस की बात कर ली जाए तो फोकस दोनों ही फ़ोन्स का तकरीबन बराबर है, कहीं कहीं Y9 प्राइम थोड़ा सा स्ट्रगल करता है फोकस पर, लेकिन इतना बुरा नहीं कहूँगा। अब आपकी प्रायोरिटी क्या है, यहाँ पर फुली AI बेस्ड कैमराज हैं और 1080p 30fps पर रिकॉर्डिंग हो रही है। फ्रंट कैमरा की तो हमने क्लियरली बात कर ली, अब देखते हैं कि रियर कैमरा में कौन सा फ़ोन बेटर काम करता है, तो चलते हैं अपने रियर कैमरा की तरफ। ओके जी, अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं Realme 3 के रियर कैमरा से और Y9 प्राइम 2019 के रियर कैमरा से। दोनों ही के रियर में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, लेकिन यहाँ पर Realme 3 Pro में आपको देखने को मिल जाती है EIS की सपोर्ट, और यहाँ आपको Y9 प्राइम 2019 में किसी किस्म का भी स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलता। Y9 प्राइम में आप अल्ट्रा वाइड सेंसर से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि 8 मेगापिक्सल का है। यहाँ Realme 3 Pro में ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। माइक्रोफोन का भी आपको फ्रंट कैमरा में भी अंदाजा हो गया, आप रियर कैमरा में भी अंदाजा हो जाएगा। यहाँ माइक्रोफोन की भी क्वालिटी पता लग जाएगी और आपको फोरग्राउंड की भी पता लग रही होगी। मोबाइल की स्क्रीन मेरे ऑपोजिट है, ये कलर सेचुरेशन का भी पता कर लग रहा होगा। और अगर फोकसिंग की बात कर लें कि रियर साइड का कैमरा फोकसिंग में कैसा काम करता है, तो यहाँ हम फोकस को लॉकआउट देखते हैं कि कौन सा फोन करता है। तो यहाँ आपको फोकस का भी आइडिया हो जाएगा कि कौन सा फोन करता है। अगर अभी स्टेबलाइजेशन की बात की जाए कि किस फोन का आपको स्टेबलाइज इमेज मिलता है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर चल के दिखाऊंगा, अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस फोन में स्टेबलाइज मिलता है। अब मैं थोड़ा सा तेज चल के दिखाता हूँ आपको किस फोन में स्टेबलाइज मिलता है। तो यहाँ पर आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस फोन में स्टेबल इमेज मिल रहा है, अगर आप वीडियोग्राफी करते हैं किस फोन में आपको बैटर मिल जाती है। तो यहाँ आपको अंदाजा हो जाएगा कि Realme 3 Pro का कैमरा बैटर काम कर रहा है या Y9 प्राइम 2019 का। अब चॉइस आपकी अपनी है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम चलते हैं पिक्चर्स की तरफ, फुली AI बेस्ड पिक्चर्स मिलती हैं, यहाँ कड़ा कंपटीशन है दोनों फोन्स के अंदर कि पिक्चर्स क्वालिटी में भी कौन सा फ़ोन बेटर निकलता है। तो यहाँ Realme 3 Pro में आपको 4K का भी सपोर्ट मिल जाता है,
और Y9 Prime 2019 में आपको 60 FPS, 1080p 60 FPS पर भी रिकॉर्डिंग मिल जाती है। थोड़ा सा फ्रेम को मूव आउट करके देखेंगे कि किस फोन का हमें यहाँ पर स्टेबलाइज इमेज मिल रहा है और फ्रेम ड्रॉप तो नहीं मिलते। यहाँ मैं इस तरह कुछ चल के दिखाता हूँ आपको, अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ स्टेबलाइजेशन मिलती है कि कहाँ नहीं मिलती। लेकिन Realme 3 Pro में जब आप 4K का ऑप्शन ऑन करते हैं तो आपको स्टेबलाइज इमेज नहीं मिलता। Realme 3 Pro का डेडिकेटेड एक कैमरा रिव्यू भी चैनल पर अवेलेबल है, iCard में भी दे देता हूँ और आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी मिल जाएगा। और Y9 Prime 2019 का भी आपको कैमरा रिव्यू मिल जाएगा, यहाँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि Y9 Prime 2019 60 FPS पर कैसा काम कर रहा है या Realme 3 Pro के अंदर 4K का जो रिकॉर्डिंग है वो कैसी मिल रही है। तो चलते हैं अपनी पिक्चर्स की तरफ। तो यहाँ बात कर लेते हैं पिक्चर्स की, यहाँ आपको क्लियरली डिफरेंस नजर आएगा। Realme 3 Pro में कलर्स कुछ नेचुरल मिल रहे हैं, Y9 Prime 2019 में आपको जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा नॉइजी नज़र आएगा। इवन पोर्ट्रेट मोड में सेल्फी कैमरा में भी Realme 3 Pro मुझे कुछ बेटर लगा, लेकिन किसी किसी कंडीशन में Y9 Prime 2019 भी अच्छा काम करता हुआ नजर आया। इवन ब्लर जो है मुझे Realme 3 Pro का बहुत पसंद आया। अगर इस माइक्रो शॉट्स की बात कर ली जाए तो यहाँ भी दोनों फोन्स अच्छा काम करते हुए नज़र आए, लेकिन रियर साइड के पोर्ट्रेट जब हम कैप्चर करते हैं Realme 3 Pro में थोड़ा सा वाइटेस्ट टोन नज़र आएगा आपको। इवन Y9 Prime 2019 थोड़ा सा बेहतर काम करता हुआ नज़र आया मुझे। और यहाँ इस पोर्ट्रेट की बात कर ली जाए तो यहाँ टोटली दोनों ही एज डिटेक्ट अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जूम इन करके देखते हैं इसको तो यहाँ हमें डिटेल Realme 3 Pro में थोड़ी सी बेटर मिलेगी, Y9 Prime 2019 में नहीं मिलेगी। और अगर बात कर ली जाए इस पिक्चर की तो Y9 Prime 2019 में आपको अल्ट्रा वाइड शॉट वाली ऑप्शन मिल जाती है, ज़्यादा एरिया को आप कवर कर सकते हैं। और अगर इस पिक्चर की बात कर ली जाए तो यहाँ भी Realme 3 Pro काफ़ी बेटर नज़र आया एज डिटेक्शन में, कलर रिप्रेजेंटेशन में। और यहाँ अगर हम बात करें अपनी अगली पिक्चर की तो यहाँ हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। इस पिक्चर में आपको कलर जो है वो बिल्कुल नेचुरल मिल रहे हैं Realme 3 Pro में, थोड़ा सा नॉइस मिला Y9 Prime 2019 में। और ये नॉर्मल मोड में पिक्चर कैप्चर की गई है, अब अगर इसको हम जूम इन करते हैं तो यहाँ भी डिटेल्स का आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। इवन आपको यहाँ पर Realme 3 Pro में क्लियरली डिटेल नज़र आएगी और काफ़ी ज़्यादा नॉइसी हो जाता है Y9 Prime 2019। ओके जी, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं नाइट मोड में, लो लाइट इफेक्ट में है Y9 Prime 2019 के फ्रंट कैमरा से और Realme 3 Pro के फ्रंट कैमरा से। अब यहाँ आपको क्लियरली डिफरेंस नज़र आएगा, Realme 3 Pro काफ़ी बेहतर काम कर रहा है और बिल्कुल ओरिजिनल टोन के साथ काम कर रहा है, और Y9 Prime 2019 में आपको हल्का सा नॉइस आएगा। बाकी मैं आपको स्टेबलाइजेशन का भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर स्टेबलाइजेशन जो है आपको दोनों ही फ़ोन्स के फ्रंट साइड पर नहीं मिलती, लेकिन फिर भी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस फ़ोन में स्टेबलाइजेशन बेहतर है। मैं थोड़ा सा तेज़ चल के दिखा देता हूँ आपको, तो यहाँ हल्का फुल्का शेकी इमेज है दोनों में ही। लेकिन कलर अप्रोच की बात करूँ, डायनामिक रेंज की बात करूँ तो Realme 3 Pro थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहा है। दोनों ही फ़ोन्स के फ्रंट साइड पर आपको कोई भी फ्लैश लाइट नहीं मिलती, डेडिकेटेड फ्लैश लाइट नहीं मिलती। अगर आप पिक्चर्स कैप्चर करते हैं तो आपको जो स्क्रीन की लाइट है उसमें फ्लैश लाइट मिल जाती है। अब डिसीजन आपका है, लो लाइट में Realme 3 Pro एक बार फिर अच्छा काम कर रहा है, Y9 में थोड़ा सा नॉइस नज़र आया। अब थोड़ा सा अगर अंधेरे में चल के देखें तो अंधेरे में बात करते हैं कि कितनी की अप्रोच मिलती है दोनों ही फोन्स में। ओके जी, यहाँ हम थोड़ा सा अंधेरे में आ चुके हैं, अब यहाँ भी आपको क्लियरली डिफरेंस नज़र आएगा। Realme 3 Pro फिर भी थोड़ा सा इमेज को, कंट्रास्ट को बेहतर कर रहा है, Y9 Prime 2019 में नॉइस नज़र आ रहा है। अब चलते हैं अपने रियर कैमरा की तरफ और बात करते हैं कि नाइट मोड में रियर कैमरा कैसा काम करता है। अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं Realme 3 Pro और Y9 Prime 2019 के रियर कैमरा से। Y9 Prime 2019 में आपको वाइड सेंसर वाली रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है, लेकिन यहाँ 16 मेगापिक्सल का दोनों का ही मेन कैमरा है। Realme में आपको अपर्चर मिलता है कुछ 1.7 के राउंड अबाउट और Y9 Prime 2019 में आपको मिलता है 1.8 का अपर्चर। अब डिफरेंस आपके सामने है, मोबाइल्स की स्क्रीन मेरे ऑपोजिट है, लेकिन यहाँ आपको टोन का अंदाज़ा हो जाएगा। और अगर फोकसिंग की बात कर ली जाए तो फोकस भी हम चेक कर लेते हैं कि नाइट मोड में फोकस कैसा करता है दोनों में, दोनों ही फोन। तो यहाँ अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों ही फोन में से फोकस को कौन लॉकआउट कर सकता है प्रॉपर। मैं समझ रहा हूँ बेहतर के यहाँ पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी अब इन दोनों ही फोन्स के रियर साइड पर आपको डेडिकेटेड फ्लैश लाइट मिल जाती है। मैं बारी बारी दोनों फ़ोन में से आपको रिकॉर्डिंग करके दिखा देता हूँ कि आपको फ्लैश लाइट की क्या अप्रोच मिलती है और अगर आप फ्लैश लाइट को ऑन करते हैं तो आपको कैसा कैमरा रेजोल्यूशन मिलता है। तो चलते हैं अभी फ्लैश लाइट की वीडियो की तरफ। ओके जी, अब फ्लैश लाइट ऑन कर चुका हूँ Realme 3 Pro की, अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या अप्रोच है। मैं अंधेरे में हूँ, मैं थोड़ा सा पीछे भी जाके दिखा देता हूँ कि फ्लैश लाइट कितनी दूर तक काम करती है Realme 3 Pro की। अब आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा कि नाइट मोड भी अगर आपको इन दोनों में से कोई भी फ़ोन यूज़ करना है तो कैसा रेजोल्यूशन मिलने वाला है, या अगर आप आउटडोर गए हुए हैं कहीं आउटिंग पर तो नाइट मोड पर दोनों ही फोन में से कौन सा कैमरा बेहतर है। तो यहाँ आप रिकॉर्डिंग करते हैं फ्लैश लाइट ऑन करके Y9 Prime की, फिर बात करते हैं पिक्चर्स की। अब रिकॉर्डिंग हो रही है Y9 से। यहाँ दोस्तों रियर पर 16 मेगापिक्सल का कैमरा है
और यहाँ आपको मिल रहा है ये है फ्लैश लाइट, अप्रोच का अंदाज़ा हो जाएगा, टॉन का अंदाज़ा हो जाएगा, फोरग्राउंड का अंदाज़ा हो जाएगा, बैकग्राउंड में कितना बैकग्राउंड दिखा रहा है कैमरा आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ मैं थोड़ा सा पीछे चल रहा हूँ, अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी लाइट की अप्रोच कैसी है। मेरे पास थोड़ी सी लाइट मैंने इसलिए रखी है ताकि दोनों ही फ़ोन्स के कैमरा रेजोल्यूशन को आप जज कर पाएँ। क्लियरली हो गया होगा आई थिंक सो कि आप लोगों को कि Y9 Prime 2019 का कैमरा अच्छा है या Realme 3 Pro का। आपको नाइट मोड में फ्लैश लाइट के साथ कौन सा कैमरा बेटर लग रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलते हैं अपनी अगले पार्ट की तरफ। तो यहाँ दोस्तों वीडियो में तो Y9 Prime 2019 काफ़ी स्ट्रगल करता हुआ नाइट मोड में नज़र आया, लेकिन यहाँ सेल्फी की बात कर ली जाए तो यहाँ भी Realme 3 Pro नाइट मोड में काफ़ी बेहतर काम करता हुआ नज़र आ रहा है हमें, कोई भी नॉइस नज़र नहीं आ रहा। थोड़ा सा स्ट्रगल तो करते हैं नाइट मोड में, लेकिन लाइटिंग कंडीशन में डिपेंड करता है। इवन पोर्ट्रेट भी आपको दोनों ही फोन्स में अच्छा मिल रहा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि Realme 3 Pro में ज़रा नेचुरल टोन है, थोड़ा सा नॉइजी कर जाता है Y9 Prime 2019 लो लाइट में। और रियर की बात कर ली जाए तो यहाँ रात के टाइम नाइट मोड में Realme 3 Pro थोड़ा सा वार्म टोन देता है, जो नेचुरल इफेक्ट है Y9 Prime 2019 में मिल जाता है, जो कि मैं समझूंगा थोड़ी सी अच्छी बात है। लेकिन अगर लाइट बहुत ज़्यादा कम हो तो Y9 Prime 2019 ऑब्जेक्ट को प्रॉपर फोकस नहीं कर पाता। और यहाँ ये पिक्चर कैप्चर की गई है नाइट मोड में, डेडिकेटेड नाइट मोड मिल जाता है। नाइट मोड में क्लियरली Realme 3 Pro बीट करता है Y9 Prime 2019 को। इवन इस पिक्चर को अगर जूम करें तो आपको डिटेल जो है वो यहाँ पर Realme 3 Pro में बेहतर मिल जाती है Y9 Prime 2019 की नस्बत। और स्लो मोशन की बात कर ली जाए तो Realme 3 Pro 960 फ्रेम पर सेकंड को सपोर्ट करता है, Y9 Prime 2019 मैक्सिमम 460 फ्रेम पर सेकंड पर स्लो मोशन को रिकॉर्ड कर सकता है। टाइम लैप आपको दोनों ही फ़ोन में काफ़ी शेकी मिलेंगे। बाकी अब चलते हैं अपने एंड की तरफ और करते हैं बात कि हमें कौन सा फ़ोन लेना चाहिए कौन सा नहीं। ओके जी, ये था एक कंपैरिजन कैमरा का। यहाँ पर जो Y9 Prime 2019 का रियर कैमरा है, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई भी 4K का सपोर्ट नहीं मिलता। इवन हमें यहाँ पर 1080p 60fps की सपोर्ट मिलती है और Realme 3 Pro में हमें मिल जाती है 4K की सपोर्ट, फिर 960 फ्रेम पर सेकंड पर हमें स्लो मोशन वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा बेहतर रहा। लेकिन अगर आप 4x जूम के साथ कुछ स्लो मोशन रिकॉर्ड करते हैं Y9 Prime 2019 में, आपको स्लो मोशन इफेक्ट इतना बेहतर नहीं मिलता, क्योंकि वो 260 फ्रेम पर सेकंड पर होता है। और अगर यहाँ 16x जूम के साथ काम करता है तो यहाँ पर आपको जो फ्रेम पर सेकंड है वो 460 फ्रेम पर सेकंड देखने को मिल जाता है। तो यहाँ मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी कैटेगरीज में, बहुत सारे इफेक्ट्स में, बहुत सारी कंडीशन में Realme 3 Pro का कैमरा बेहतर रहा। लेकिन Realme 3 Pro में थोड़ा सा एक इशू है जो कि रियर कैमरा में है, बुके इफेक्ट में जब हम पोर्ट्रेट ऑन करते हैं Realme 3 Pro का, तो यहाँ हमें थोड़ा सा कलर्स को जो है वो कस्टमाइज़ कर देता है या आर्टिफिशियल टाइप कर देता है, वो मुझे ज़रा एक इशू नज़र आया एक जगह पर। बाकी Y9 Prime 2019 डे लाइट में तो ठीक रहा, लेकिन नाइट मोड में काफ़ी स्ट्रगल करता नज़र आया। आपको कैसा लगा ये कंपैरिजन, आपके लाइक ही मुझे बता देंगे। और अगर आप यूज़ कर रहे हैं दोनों में से कोई भी डिवाइस, अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको चाहिए Y9 Prime 2019 का किसी और फ़ोन के साथ कंपैरिजन तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट्स में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूँ अली अब्बास, मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।